गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चेस। और लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ चेस बोर्ड के बारे में बताया था और आज मैं आगे आपको बताऊंगा। और जैसे मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि चेस बोर्ड है, इसमें 64 बॉक्सेस होते हैं। और आज मैं दो बातें जो है इम्पोर्टेंट है वो बताना चाहूँगा। उसमें ये है कि यदि आपके पास कोई अच्छा प्लेयर है, चेस प्लेयर अच्छा है आपका, तो आप उसके साथ रोज़ गेम खेलें। और यदि आपके पास कोई अपोनेंट प्लेयर अच्छा नहीं है, तो आप जो है प्ले स्टोर से चेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप लेवल वन का गेम खेलें, जिससे आपका गेम जो है डे बाय डे इम्प्रूव होगा। क्योंकि चेस में बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका गेम जो है इम्प्रूव होगा। और इसके लिए आप मेडिटेशन भी करें, क्योंकि मेडिटेशन से आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। और चेस में बहुत ज़रूरी है कंसंट्रेशन होना। यदि आपका कंसंट्रेशन कहीं लूज़ होता है, तो आप कुछ जो गेम है वो जीतते हुए हार सकते हैं या हारते हुए आप जीत सकते हैं। गेम जो है पलट सकते हैं यदि आपकी कंसंट्रेशन पावर अच्छी नहीं है। तो इसलिए अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए आप मेडिटेशन ज़रूर करिए। और एक बात मैं यही कहना चाहूँगा कि आप रोज़ प्रैक्टिस कीजिए इसकी, और अच्छे प्लेयर के साथ खेलिए जिसके साथ आप अच्छा उसको खेलना आता हो। तो आइए हम चेस के बारे में और जानते हैं। तो ये चेस बोर्ड है, तो ये मैंने इसमें जो पीसेस हैं इनको लगा लिया है। प्यादे, ये 8 प्यादे हैं और ये 2 हाथी हैं, 2 घोड़े हैं, 2 ऊँट हैं, 1 राजा और 1 रानी। तो इसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, आइए आपको खुद लगाना आना चाहिए। और तो चलिए इसके बारे में हम कुछ और रूल्स के बारे में बात करते हैं। ये आपका प्यादा है, इसको प्यादा बोलते हैं, और ये हमेशा चलता वन बॉक्स है, लेकिन काटता ये तिरछा डायगनल ये काटेगा। जब भी सपोज ये यहाँ पर रखा है तो आप इसको काट सकते हैं, यदि यहाँ रखा है तब आप इसको नहीं काट सकते। हाँ, ये इसको आपके प्यादे को ज़रूर काट सकता है, तो इसलिए इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दूसरा जो है ये हाथी है, और ये हमेशा सीधा चलता है, एक बॉक्स भी जा सकता है और यहाँ तक भी आ सकता है, इसको भी काट सकता है डायरेक्ट यदि बीच में कुछ नहीं है। और या तो ऐसे सीधा चलेगा या फिर ऐसे चलेगा, ये डायगनली नहीं चलता कभी भी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और इसके चलने की, और ये ऐसे चलता है, वन बॉक्स भी चल सकता है और ये ऐसे लास्ट तक इसको भी काट सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। या फिर ये एक चाल में एक वन मूव में यहाँ भी आ सकता है, और यदि आपको लगे कि नहीं हमें वहाँ नहीं लेके जाना है, तो आप एक बॉक्स भी चल सकते हैं और लास्ट तक भी जा सकते हैं। और ये आपका घोड़ा है, और घोड़ा जो है वो 2.5 कदम चलता है, जहाँ पे है उसको काउंट नहीं करना है, 1, 2 एंड हाफ। तो ये हाफ जो है इसके, यदि सपोज यहाँ पे है तो इसके हाफ 1, 2 हाफ, 1, 2 एंड हाफ, 1, 2 एंड हाफ। तो हर जगह इसके चारों तरफ, ये देखिए कि सिर्फ घोड़ा एक ऐसा है जो अपने चारों तरफ कहीं भी मूव कर सकता है, तो ये इसकी बहुत ख़ास विशेषता है। और दूसरा ये ऊँट है, ये हमेशा डायगनली चलता है, हमेशा ध्यान रखिए, एक ब्लैक पे होता है एक वाइट पे, इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप ये इसके लगाएं कॉइन्स वगैरह, तो आप इसको अपने आप लगाएं जिससे आपको पता रहे। और जब आप लगाएं अपना, आप गेम स्टार्ट करने से पहले चेक करें और अपोनेंट का भी चेक करें कि कोई प्यादा या ऊँट घोड़ा कोई गलत तो नहीं लगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और ये आपका वन बॉक्स भी चलता है, ये हमेशा डायगनली चलता है, वन बॉक्स भी जा सकता है और लास्ट तक भी जा सकता है। और इसके काटता भी ऐसा ही है, ये सपोज यहाँ पे है तो ये सपोज यहाँ पे ऐसे है, यदि यहाँ पे आ गया ऐसे करके, तो ये यहाँ पे है तो ये इसको ऐसे काट सकता है, या जिसकी भी चांस होगी, सपोज ब्लैक की है तो यदि ब्लैक की चांस है तो ये इसको ऐसे काट सकता है, और यदि ये वाइट की चांस है तो वाइट इसको ऐसे काट सकता है। और फिर ये आपका हो गया, ये आपका राजा हो गया, ये वन बॉक्स चलता है, वन बॉक्स चारों तरफ जो है कहीं भी चल सकता है, यहाँ भी चल सकता है, ये सारे इसके कहीं भी मूव कर सकता है यदि यहाँ पे है तो। और ये काटता भी ऐसे ही है, ये डायगनली भी काट सकता है, सीधा भी काट सकता है, लेकिन वन बॉक्स ही चलेगा और बस, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा, ये यहाँ नहीं जा सकता।
और दूसरा ये है, ये क्वीन है, क्वीन का कोई लिमिट नहीं है, इसकी डायगनली भी चल सकती है, वन बॉक्स भी जा सकती है और लास्ट तक यहाँ भी जा सकती है। और इसके चलने की, चलना मतलब सपोज यदि हमें चलना है, यहाँ पहुँचाना है तो यहाँ पहुँचा सकते हैं इसको, और यदि हमें काटना है किसी को, यदि यहाँ रखा है तो इसको हम ऐसे काट सकते हैं, और बाकी ये सारे सेम हैं। और एक जो है, तो आज के लिए बस इतना ही, ये मैंने आपको इनके मूव्स बता दिए, नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक गेम खेल के बताऊंगा कि इसका गेम कैसे खेला जाता है। आज के लिए इतना ही, बस थैंक यू।